फैजाबाद स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय इन दिनों नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिनमें से एक है विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों पर उकेरी जा रही आकर्षक कलाकृतियाँ। कला हमारे जीवन को सुंदरतम तरीके से रखने का सर्वोत्तम प्रयोग है। इस प्रयोग के जितने प्रयोग हो सकें कम हैं। कुछ इसी बात को सिद्ध करती है अवध विश्वविद्यालय की वह दीवारें जिस पर अब पान की पीक के निशान नहीं हैं, हमेशा उपेक्षित सी टूटी जर्जर दीवार नहीं है। कला और संस्कृति की बेजोड़ मेल के प्रयोग ने उस दीवार पर त्रेता युग से कलयुग तक के आदर्शों को चस्पा कर दिया है। यह भागीरथी प्रयास है अवध विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित के प्रयास का। उनका कहना है कि विद्यार्थियों को यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि विश्वविद्यालय समाज का ही एक अभिन्न अंग है, समाज की सांस्कृतिक विरासत, धरोहर, महापुरुषों के आदर्श वृत्त चित्र या अन्य माध्यमों से विश्वविद्यालय में परिलक्षित होने चाहिए। अवध विश्वविद्यालय के इस अनूठे प्रयास में अर्थशास्त्र एवं ग्रामीण विकास विभाग, फाइन आर्ट्स विभाग के साथ साकेत महाविद्यालय, नंदनी नगर महाविद्यालय, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज, दीपा लोक कला संस्थान के नवांकुरित कलाकारों ने उस प्रयास को साकार किया है। विश्वविद्यालय परिसर के 300 ब्लॉकों की दीवारों में 60 ब्लॉक की दीवारें मनोहारी चित्रकारी देखते बनती है। भित्त चित्रों के माध्यम से अयोध्या फैजाबाद की अवध संस्कृति विश्व पटल पर परिलक्षित हो सके, इसका पूरा प्रयास किया गया है। प्रासंगिक व सांस्कृतिक धरोहर की ऐतिहासिकता दीवारों पर रूपायित की गई है। और यहाँ पे हमारे बीएफए डिपार्टमेंट ने पहल की म्यूरल के लिए वीसी सर के इच्छा से। उसके बाद और भी डिपार्टमेंट्स, अवध यूनिवर्सिटी के और अदर कॉलेज के सब लोग यहाँ पे आए और सब ने सहयोग किया ये वॉल पेंटिंग पे हमारा, और बहुत अच्छा काम किया। आगे चल के ये बहुत अच्छा वर्क होगा, यूनिवर्सिटी कैंपस सुंदर हो जाएगा और बच्चों के लिए रोज़गार के लिए भी बहुत से रास्ते खुलेंगे। इसलिए इस तरीके से बहुत अच्छा रहा और बहुत सौभाग्य की बात है कि ये यहाँ पे बीएफए खुल गया, जो मतलब अब इसकी चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर होने लगी है आर्ट को लेके, ये बहुत अच्छी बात रही है। यहाँ पर ऐसे चित्र बनाए गए जिसमें अयोध्या और फैजाबाद से दर्शन से संबंधित सभी चित्र बनाए गए। बच्चों का जहाँ तक एक्सपीरियंस ये है कि ये बताते हैं कि ये फर्स्ट टाइम वॉल पे पेंटिंग किया इन्होंने, इनके लिए बहुत मुश्किल काम था इस पेंटिंग को करना, इस पेंट से पेंटिंग बनाना और इन चित्रों को समझना। फिर भी इन लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ इस चित्रों को बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए चित्र को 7 दिन में बहुत कुछ सीखा। और हमारे संस्था से बहुत सारे बच्चों ने आए और सब ने अलग अलग चित्र और अलग अलग चीज़ों को सीखा। जिस तरह से एक कलाकार अपनी कला को समाज में प्रदर्शित करने के लिए आतुर होता है, उसकी कूची की अनुभव आँखों से दिलों में उतर मंत्रमुग्ध करने का प्रयास करते हैं, उस जिजीविषा को जीवांत करते हुए अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने नवांकुरित कलाकारों के कार्यों को पंख लगाने का भी अनूठा प्रयास किया है। देखिए, साहित्य, संस्कृति और कला, इसका संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बीतने के साथ ही बहुत सी नई चीज़ें आती रहती हैं। इसमें विज्ञान और तकनीकों का विकास हुआ, लेकिन वो विकास के साथ ही साथ जो हमारे संरक्षण की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और इसके कुलपति एवं वहाँ के जितने स्टाफ हैं, इन सब के प्रेरणा से लोगों ने विभिन्न प्रकार की हमारी जो लोक संस्कृतियाँ हैं और परम्पराएँ हैं उनको चित्रित करते हुए तमाम भित्ति चित्र दीवालों पर जो उकेरे गए हैं, निश्चित रूप से उस परंपरा और संस्कृत के संरक्षण व पुनर्जीवन का एक सदप्रयास है। सप्ताह भर रूपायित कर रहे कलाकारों का अवलोकन करने आए जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य, जिला अधिकारी फैजाबाद डॉक्टर अनिल पाठक व कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने अवलोकन कर वृत्त चित्रों का लोकार्पण किया। प्लास्टिक पेंट व कूची से नवांकरित कलाकारों ने अपने नए अनुभवों से लोक कला, अयोध्या फैजाबाद के धार्मिक मंदिरों, राम की पैड़ी,
दीपोत्सव दिव्य कार्यक्रम, गिरजाघर, गुलाब बाड़ी, रामायण के मनोहारी दृश्यों का चित्रांकन किया है। भले जब बच्चे आए तो मुझे उनको केवल ऐसा लगता था कि जैसे वो केवल लोक कलाओं के प्रति आकर्षित हैं या केवल धार्मिक पर्यटन की तरह से आकर्षित हैं। मैंने उनको ये निवेदन किया कि आप ऐसा बनाइए जिससे फैजाबाद और अयोध्या दोनों का एक तरह से सिटी टूर अपने आप में हो जाए। इन जगहों की सारी प्रमुख स्थान जो है वहाँ पर परिलंबित हो जाए। उसमें आपको अपने अंदर से कोई धर्म नहीं डालना है, अपने अंदर से कोई किसी विशेष ओरिएंटेशन को नहीं लेना है। तो इस तरह से आप देखे होंगे कि प्रारंभ करते हुए उन्होंने लगभग दोनों शहरों के प्रमुख स्थल और लगभग सभी प्रकार की लोक कलाएँ ये सभी उन्होंने उसमें परिलक्षित करा दी हैं। अब उससे ये हो जाता है, एक तो ये कि ये वो अपने आप में एक कंप्लीट गाइड है, अगर आप यूँ कहें कि एक कंप्लीट फोक गाइड है अपने आप में अयोध्या और फैजाबाद की ट्विन सिटीज़ की। और उस पर बच्चों का एक ये उत्साह, हर कलाकार का एक उत्साह होता है कि उसकी अपनी बनाई हुई कृति देखी जाए और लोग देखें उसको। और जैसा हमने रखा है लगातार रिस्पांस हम लोगों को इतनी अच्छी मिली है कि जो भी हमारे विश्वविद्यालय में आ रहा है वो उस वॉल की तरफ अवश्य जाता है, देखता है, अप्रिशिएट करता है। बच्चों के उत्साह, समाज को ये मैसेज देना कि विश्वविद्यालय समाज का ही एक अंग है, ये आवश्यक था इसके माध्यम से जो हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने उसको स्टैंड अलोन नहीं किया है कि हमारे विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी है और हम विश्वविद्यालय हमारा समाज से अलग होता है। मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि विश्वविद्यालय समाज का अभिन्न अंग है और समाज के सभी कुछ अंग उसमें परिलक्षित होने चाहिए, तब समाज से उसको एक सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। समाज को गर्व होगा कि उनका विश्वविद्यालय ऐसा है, विश्वविद्यालय को गर्व होगा कि वो ऐसे समाज के हिस्से हैं। ये पूरा आनंद जो है इस पूरी विधा से निकल कर सामने आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसीलिए प्रयास में हम लोग गार्डन्स को और वॉल्स को पेंटिंग करके ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये मैसेज रहे साथ साथ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। रंगों में वह जादू है जो रंगने वाले, भीगने वाले और देखने वाले तीनों के दिलों को विभोर कर देता है। धन्यवाद।